थॉमस ने जितने भी रॉकेट छोड़ी, इंडियंस की भी तो जान गई ना। इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने पहला लड़ाई 47 और 48 में ही लड़ा था। मतलब 2 घंटे भी अगर लगते हैं ना, तो वो 2 घंटे वर्थ इट होंगे। 2 घंटे वर्थ इट। तो हर दिन की तरह इस दिन भी गुड मॉर्निंग आपको, और एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो एक सेकंड, मैं आपसे मिलता हूँ। फर्स्ट आई विल क्लियर दिस मेस, उसके बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी इसको समेट के वापस आ चुका हूँ आपसे बात करने के लिए। और ये अंधेरा क्यों? ओके, तो मैं सुबह के 1 बज रहे और मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा। अब इतनी लेट इसलिए उठा क्योंकि मैं रात को क्लासेस कर रहा था। एक दिन पहले मैं इसलिए नहीं किया था बिकॉज फ़ोन से क्लास कर रहे हैं ना, फ़ोन में पढ़ाई कम डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। संदीप भैया की बात सुनता हूँ मैं। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी 1 बज रहे और मैं अभी नाश्ता वास्ता करके आ चुका हूँ, फ्रेश हो गया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं देखो, अब मैं 1 बजे उठा ना, तो अभी अगर मैं नहाने जाऊँगा तो मम्मी मुझे नहीं जाने देगी नहाने, बिकॉज अभी के टाइम पे ना वो सर्दी होने का चांसेस ज़्यादा होता है, धूप होता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और अभी नहाऊँगा तो इसलिए। तो आई विल प्रोबेबली टेक अ बाथ बट नॉट नाउ, आई विल टेक इट इन द इवनिंग। तो वीडियो जा चुकी है 2-3 घंटे पहले और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया अभी तक, बहुत ही अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं उस वीडियो में। अच्छा, आज की एडिटिंग आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो पे, वो मुझे ज़रूर बताना। मतलब ये वीडियो आप कल देखोगे तो यानी कि कल की वीडियो पे आपको एडिटिंग कैसी लगी ये ज़रूर बताना मुझे। अरे एक्चुअली हुआ क्या ना कि कल जो मैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में बोल रहा था, गाइस देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़िलिस्तीन पे जो हो रहा है वो सही हो रहा है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़िलिस्तीन पे जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, ठीक है। बट फ़िलिस्तीन वालों को, हमस को ये चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया तो ये जान रही है ना कि इज़राइल ने रिटेलिएट किया है। हमस ने जितने भी रॉकेट छोड़ी, मुझे जहाँ तक पता है और मैं जितने वीडियोज़ में या जितने न्यूज़ में मैं सुना, मोर देन 500 रॉकेट्स उन्होंने छोड़े, ठीक है। जान कितनों की गई? 6 या 7 लोगों की, जिसमें से एक इंडियन थी, ठीक है। हमस वालों को पता है, सबसे पहले ना ट्वीट करना चाहिए या बोलना चाहिए कि आप कुछ कर नहीं सकते यार। चलो ठीक है, 100 के जगह पे अगर बम गिरेगा तो 100 की जान जाएगी, उनमें से कौन इंडियंस है, कौन पाकिस्तानी है, कौन चाइनीज़ है, किसी को नहीं पता, बट एटलीस्ट यू कैन से सॉरी फॉर दैट। इंडियंस की भी तो जान गई ना। वेल चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो इसराइल ने एक जब मिसाइल छोड़ी, जब जेरूसलम के पास, जब गाज़ा पट्टी के पास जब उन्होंने ये मिसाइल छोड़ना चालू किया, जब पूरी तरह से आप तहस नहस होने लगे, तो आप सोचो ना कि आपने वहाँ गलती क्या की, पता है? आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज यू आर ओनली 12% इन दैट होल इसराइल फ़िलिस्तीन वाले एरिया में ना, बस 12% बचे हो और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो यार देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डिप्लोमेट्स में जा रहा हूँ या डिप्लोमेसी करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ या ब्लॉग बनाता हूँ। मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करना नहीं है। आप फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हो, करो यार, करना भी चाहिए। आप इसराइल को सपोर्ट करते हो, करो, मैं उसके लिए कभी नहीं बोल रहा आपको, लेकिन एटलीस्ट पता है दोनों के चीज़ों को तो समझो। इसराइल चाहता है कि फ़िलिस्तीन उस पर हमला करे बिकॉज वो जो है ना, वो अपने आप को सुरक्षित कर चुका है आपके हमलों से, ठीक है। आप 1200-1500 रॉकेट एक बार में आप छोड़ देते हो, ठीक है, आपके खाने के लाले पड़े हुए अभी आपके घर में, आप कैसे उतना रॉकेट्स आप ये कर रहे हो, हैं? दूसरी कंट्रीज़ तो चाहती हैं कि आपके बीच में झगड़ा हो क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम रुक जाएगा, उनके डिफेंस के उनके गोली बारूद नहीं बिकेंगे अगर आप लोग झगड़ा करना छोड़ दिए तो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसा डिवाइड किया उन्होंने, पता है? आज हम जिंदगी भर लड़ ही रहे हैं, POK में लड़ रहे, जैसे ही डिवाइड हुआ 47-48 की युद्ध हमने पहली लड़ी थी। इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने पहला लड़ाई 47 और 48 में ही लड़ा था। आप लड़ो, आप मरो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। वो बस बीच बीच में मीटिंग बुला देगा, इसराइल को धमकी दे देगा, वीटो का पावर दिखा देगा, बस इसराइल को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एक तो वो डिफेंस से मजबूत है, प्लस उसको अमेरिका जैसी कंट्री सपोर्ट कर रही है। सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इसराइल के साथ खड़ी है, इसराइल को कोई दिक्कत नहीं है। इसराइल पर रोक लगेगा ना, अमेरिका जाके वीटो कर देगा, बात ही नहीं उठेगा कभी आगे जा करके फ्यूचर में। वो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ हो ताकि उनकी डिफेंस सिस्टम बिके। अगर हमस, मान लो अगर हमस वाले मर गए, अगर हमस वालों को हटा दिया गया वहाँ से, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं अगर उनको हटा दिया गया, तो फ़िलिस्तीन वाले किससे लड़ेंगे? ईंटा और पत्थर से, बिकॉज उनके पास तो वही है। 5 मिनट्स लेटर।
कोई गेस? इसको तो सब जानता होगा, मनी हाइस्ट। अरे भाई वर्थ वॉचिंग है, वर्थ वॉचिंग है। तो मैं सोचा था मैकबुक आएगा तभी उसमें देखूंगा, मतलब 2 घंटे भी अगर लगते हैं ना तो 2 घंटे वर्थ हीट होंगे, 2 घंटे वर्थ हीट होंगे। तो जाके देखो, और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, बस इस एपिसोड को ख़त्म करके थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। 2000 years later शाम के 4 बज चुके हैं और मैं अभी अभी सीज़न ख़त्म किया मनी हाइस्ट का, बस अब जाऊँगा खेलने के लिए। तो मैं यार बहुत ही ओपी सीज़न है यार मनी हाइस्ट का, प्लीज़ जाके देखो एक बार यार। One eternity later. मैं आ चुका हूँ खेल के, और खिड़की देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अभी शाम हो चुका है। और मैं अभी अभी बाहर से आया, आई वॉज इन सम वर्क, वो काम करके आया मैं अभी। ओके गाइस, तो रात के 9 बज चुके हैं और वीडियो के एंड करने का समय हो गया। आई नो वीडियो छोटी बनी है, बट आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब ये था मेरे लिए, आलू आलू लाना था, बहुत सारे घर का काम था। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।